गुजरात के साबरकांठा जिले के कड़ियादरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां उफनती करोल नदी में कार बह गई। कार में 3 लोग सवार थे, जो बेबस होकर मदद का इंतजार कर रहे थे। राहत कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक महिला और एक पुरुष को बचा लिया, लेकिन तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना के समय करोल नदी उफान पर थी, बावजूद इसके कार में सवार लोग ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक तेज बहाव में कार बहने लगी। स्थानीय लोग तुरंत सहायता के लिए इकट्ठा हुए और बचाव दल को सूचित किया। राहत कर्मी मौके पर पहुंचे और रस्सी की मदद से महिला और पुरुष को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि नदी के बीच में फंसी कार की छत पर महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। वे काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच मदद के लिए किसी को फोन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राहत कर्मियों ने तेजी से काम करते हुए उन्हें बचा लिया, लेकिन तीसरे व्यक्ति के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है। गुजरात के कई हिस्से पिछले कुछ समय से बाढ़ की चपेट में है और शनिवार को भी विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश हुई है। इस कारण कई नदियां और नाले उफान पर है। हालांकि रविवार को बारिश की तीव्रता कम रही है और मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस घटना ने एक बार फिर से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया है। सरकार और प्रशासन द्वारा लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो बाढ़ ग्रस्त इलाकों में न जाएं और सुरक्षा के उपायों का पालन करें।